Hey, hi friends, welcome to Bahu Automation Lab once again. Last video में हमने what is exactly difference between API and web services देखा था. Let's start with next part of that video. It's API test automation process. और part 2 में आज हम देखेंगे difference between HTTP GET and HTTP POST method. Okay? इसको हम थोड़ा सा theoretically समझते हैं exactly API में HTTP GET और POST method क्या होती है. और उसको एक बार फिर से हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर और क्लियर आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्ट एचटीटीपी गेट और एचटीटीपी पोस्ट मेथड में क्या डिफरेंस होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बिगनिंग. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज गेट मेथड. ओके, सो एचटीटीपी गेट मेथड सेंस डेटा एज अ पार्ट ऑफ यूआरएल. ओके, इट्स अ एचटीटीपी गेट मेथड यूज होती है फेयर वी वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर. ओके, if you want to get any information from the server we can easily use get method, http get method. jo bhi data hame get karna hai uske liye get method use karte hain. aur http get method sends data as a part of url. okay, appends from data into url like name, value, or if you pass in user id, password, or any sensitive information, it automatically appends into the url. okay, as a name value. the length of url is limited बिकॉज हम जब भी URL कोई भी क्रिएट करते हैं उसका लेंथ जो होता है वो लिमिटेड होता है, जैसे कि 2048 characters. उससे ज्यादा हम URL में कोई डेटा लेंथ सेंड नहीं कर सकते. ओके, नेवर यूज गेट इफ पासवर्ड और एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यू कैन सेंड. ओके, क्यों यूज नहीं करते गेट, इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे. लेकिन हम गेट इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने बताया कि द डेटा एज अ पार्ट ऑफ URL, क्योंकि जो भी डेटा हम सेंड करते हैं इट विल बी ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ URL. सो हम इसमें क्या कर करते हैं, नेवर यूज एनी गेट, नेवर यूज पासवर्ड और एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन गेट मेथड, बिकॉज पासवर्ड और जो भी हम डेटा यूजर नेम सेंड करते हैं इजिली एज अ पार्ट ऑफ URL शो हो जाता है. सो इट यू कैन नॉट यूज अ गेट इन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. ओके, गेट इज गुड टू नॉन सिक्वेंस डेटा लाइक क्वेरी स्ट्रिंग और एनी इन्फॉर्मेशन. अगर हमको गेट करनी है कोई भी तो गेट इज वेरी गुड मेथड सिर्फ फॉर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन लाइक अ क्वेरी स्ट्रिंग और एनी डेटा. ओके, लेट्स सी द पोस्ट मेथड. ओके, सो एचटीटीपी पोस्ट मेथड, व्हेन वी आउट वांट टू सबमिट एनी डेटा ऑन द सर्वर और उससे उसके जरिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो और एनी डेटा को किसी डेटा को सबमिट करना है सर्वर पे, तो हम एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं बिकॉज इट्स मोर सिक्योर. और एचटीटीपी पोस्ट में रिक्वेस्ट डेटा आर नॉट विजिबल इन URL. URL में कोई भी डेटा रिक्वेस्ट का विजिबल नहीं होता है. पोस्ट मेथड कैन नॉट बी यूज, पोस्ट मेथड कैन बी यूज इन सिक्योर डेटा बिकॉज जब भी हम कोई यूजर आईडी या फिर पासवर्ड भेजते हैं इट विल बी सिक्योर बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ URL और एनीथिंग. ओके, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हेडर, सो इट्स मोर सिक्योर. सो हम जब भी कोई सिक्योर डेटा भेजते हैं लाइक यूजर आई डी, पासवर्ड और लॉग इन और एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सो वी विल यूज अ पोस्ट मेथड ओनली. ओके, पोस्ट मेथड कैनॉट बी कैश्ड, इसको हम कैश नहीं कर सकते. गेट मेथड इजिली कैश हो जाती है, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कैश हो जाता है और कैसे हमें वो डेटा रिट्राइव होकर मिलता है. पोस्ट मेथड हमको हम कांट बी बुकमार्क बिकॉज पोस्ट मेथड में कोई भी डेटा जो है वो URL में या फिर किसी URL में एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास नहीं होता है, सो वी कैनॉट बी बुकमार्क दैट URL. ओके, पैरामीटर्स नॉट विजिबल इन ब्राउजर हिस्ट्री, कोई भी पैरामीटर उसका ब्राउजर हिस्ट्री में विजिबल नहीं होता है क्योंकि पोस्ट मेथड एज अ जो डेटा है वो बॉडी में सेंड होता है और उसके जरिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. सो इट्स मोर सिक्योर देन गेट. लेट्स सी दिस, एक बार उसको प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है दोनों में से, एक बार प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल भी करके देखते हैं जिसके जरिए हमें पोस्ट मेथड और गेट मेथड में से डिफरेंस एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी द कंपेरिजन ऑफ टू मेथड्स. इन केस ऑफ गेट रिक्वेस्ट ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा इज सेंड इन हेडर. मैंने जैसे बताया पहले ही जब हम गेट इन्फॉर्मेशन देख रहे थे कि लिमिटेड लाइक 2048 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है किसी भी URL को, तो हेडर में हम सिर्फ लिमिटेड डेटा को सेंड कर सकते हैं. लेकिन पोस्ट में क्या होता है, इन केस ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी सेंड बिकॉज डेटा इज सेंड इन बॉडी. जैसे मैंने बताया था डेटा किस में सेंड होता है, बॉडी में, तो लिमिटेड डेटा हम लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेड कोई लिमिट नहीं है, लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या कर सकते हैं पोस्ट मेथड में इजिली सेंड कर सकते हैं. गेट रिक्वेस्ट इज नॉट सिक्योर्ड बिकॉज डेटा एक्सपोज इन URL बार. पोस्ट रिक्वेस्ट इज सिक्योर्ड बिकॉज डेटा इज नॉट एक्सपोज इन एनी URL बार. ओके,
जैसे मैंने बताया इट्स मोर इट्स नॉट सिक्योर गेट और पोस्ट इज मोर सिक्योर, तो इसको एक बार समझते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे डेटा URL में शो होता है और कैसे पोस्ट मेथड अगर हम चेंज करते हैं तो वो डेटा URL में शो नहीं होता है। ओके एक बार इसको देखते हैं एक बार और प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें और इजीली समझ में आ जाएगा। ओके आई जस्ट क्रिएटेड वन फॉर्म ऑफ गेट पोस्ट मेथड। यहाँ पे देखो मैंने जैसे एक स्मॉल फॉर्म क्रिएट किया है जिसमें http://foo.com एक वेबसाइट है और जिसमें गेट एज अ मेथड नेम मैंने पास किया है और जिसमें हम व्हाट ग्रेटिंग डू यू वांट टू सेंड, तो हम एक ग्रेटिंग सेंड कर रहे हैं किसके नाम, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मॉम के नाम, और एक वही मैसेज सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं http गेट। एक सिंपल HTML फ्रॉम डिजाइन किया है जिसमें हमने एक गेट मेथड को सेंड किया। तो जब हम गेट मेथड का यूज करते हैं तो लेट्स सी, देखिए इफ आई रन दिस यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट ग्रीटिंग डू यू वांट टू से, जैसे हमने एक मैसेज दिया था जिसमें हम दो पैरामीटर भेज रहे, ओके हाय मॉम। जब भी मैं इस सेंड माय ग्रीटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो आप HTTP गेट मेथड है, सेंड माय ग्रीटिंग्स पे जब भी मैं क्लिक किया, ओके यहाँ पे आपको देखो ये जो है URL में वो डेटा विजिबल हो रहा है, जैसे हाय एंड मॉम जो भी मैंने डेटा सेंड किया था। सो गेट इज नॉट सिक्योर, अगर हम यहाँ पे कोई यूजर ID या पासवर्ड या भी कोई भी सेंड जैसे ग्रीटिंग इन्फॉर्मेशन भेज रहे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे शो हो रही है URL में एज अ पार्ट ऑफ URL। So get is not a secure method when you are sending any sensitive type of information. समझ में आया? तो let's see अगर हम इसी प्रोग्राम में इस get method की जगह पे हम इसको post method में भेजते हैं, okay? वही डेटा जो है मैं उसको चेंज करके post method में भेजता हूँ, okay? If I now run this, okay? I'll just remove my last place. और अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ, देखो हाई मॉम मैं सेम ग्रीटिंग भेज रहा हूँ, ओके लेकिन अब इस टाइम मेथड कौन सी पास हो रही है, पोस्ट मेथड। इफ आई क्लिक ऑन दिस सेंड माय ग्रीटिंग, देखो यहाँ पे सिर्फ foo.com डिस्प्ले हो रहा है, तो नो एनी डेटा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इज शोइंग हियर। सो बिकॉज इट्स मोर सिक्योर बिकॉज हमने मेथड को क्या चेंज किया, पोस्ट। अगर हमने गेट में करते हैं तो यहाँ पे डेटा हमें कहाँ पे शो हो रहा है, इज अ पार्ट ऑफ URL। सो इट इज नॉट सिक्योर बिकॉज वो ऑटोमेटिकली अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड है तो उसको URL में ही विजिबल होके दिख रहा है। सो इसलिए गेट सिक्योर नहीं होता है। और जब भी हम पोस्ट मेथड जब भी कोई सेंसिटिव डेटा सेंड करना है तो हम क्या करते हैं, पोस्ट मेथड एज अ यूज करते हैं, ओके जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इट्स नॉट सिक्योर एंड इट्स सिक्योर, ओके इट्स एक्सपोज इन इट्स नॉट एक्सपोज इन URL बार और इट्स एक्सपोज इन URL बार। गेट रिक्वेस्ट कैन बी बुकमार्क जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जब भी हमने URL में डेटा सेंड किया था यहाँ पे और अगर हम इस पे बुकमार्क करते तो ऐड बुकमार्क करते यहाँ पे अगर हम बुकमार्क करते तो वो जो यूजर ID या पासवर्ड था या फिर ग्रेटिंग्स था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुकमार्क हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको बुकमार्क करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ www.foo.com इतना ही डिस्प्ले हो रहा है, इट्स कैनॉट बी कोई भी सेंसिटिव डेटा यहाँ पे बुकमार्क होके नहीं मिल रहा है। सो यू वी कैनॉट बुकमार्क पोस्ट एनी लाइक डेटा लाइक यूजर नेम पासवर्ड और एनी सेंसिटिव डेटा यू कैनॉट बुकमार्क इन पोस्ट रिक्वेस्ट, बट गेट में वो इजिली बुकमार्क हो जाता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ URL। गेट रिक्वेस्ट कैन बी कैच्ड, ओके पोस्ट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कैच्ड, ओके गेट रिक्वेस्ट इज अ मोर फास्टर एज कम्पेयर टू पोस्ट। बट देखो यहाँ पे गेट का एक एडवांटेज है, गेट रिक्वेस्ट इज मोर फास्टर एज कम्पेयर टू पोस्ट बट पोस्ट रिक्वेस्ट इज लेस फास्टर एज कम्पेयर टू गेट, ओके और ये कैश भी हो जाता है, यहाँ पे ये कैश नहीं होता। तो इसका एक सिंपल और लाइव एग्जांपल देखते हैं, ओके मेरे पास ऐसी एक वेबसाइट है लाइक makemytrip.com इज अ लाइव वेबसाइट, ओके जहाँ पे हम फ्लाइट बुक वगैरह करते हैं। तो गेट अगर मैं कोई गेट इंफॉर्मेशन कहाँ पे पास होती है इसका, यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इस पेज को, ओके विल गो टू द नेटवर्क, यहाँ पे XHR में जाते हैं, इसको क्लियर करते हैं पूरा। अभी देखो यहाँ पे एक पेजेस है, यहाँ पे देखो ये पेजेस है, कुछ कुछ ऐसे पेज जैसे कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। अगर मैं इसके अबाउट अस प्लेस पे क्लिक करता हूँ देखो तो यहाँ पे एक अबाउट अस का मेक माई ट्रिप का एक पेज ओपन होकर आता है, इट्स अ स्टैटिक पेज, यहाँ पे सिर्फ मेक माई ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है। तो दिस टाइम डेवलपर्स यहाँ पे क्या डिसाइड करते हैं कि वी नीड टू यूज अ गेट मेथड हियर, यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्वेस्ट मेथड इज गेट क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ऐसे पेज के लिए वो क्या यूज कर वहाँ पे यूज क्या होता है मेथड इज अ गेट मेथड बिकॉज यहाँ पे कोई सेंसिटिव डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं। और इट्स मोर फास्टर एज कम्पेयर टू
एज कम्पेयर टू पोस्ट। क्यों? क्योंकि ये कैश्ड हो जाता है इंफॉर्मेशन। जब भी मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आता हूँ इस वेबसाइट पे, तो इसका जो की है वो यहाँ पे यूजर कंप्यूटर पे क्रिएट हो जाता है। ओके जब भी मैं इसको क्लियर करूंगा और फिर से मैं अगर मैं माय ट्रिप के होम पेज पे आता हूँ, ओके, और नेक्स्ट टाइम जब मैं अबाउट अस पेज पे क्लिक करता हूँ, द रिक्वेस्ट फ्रॉम द गेट इट्स नॉट सेंडिंग टू द सर्वर अगेन। ओके अब मैं यहाँ पे अगर अबाउट अस पेज पे क्लिक करता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट जो है वो अगर कैश्ड हो गई है तो वो फिर से सर्वर पे नहीं जाएगी। ओके वो यूजर कंप्यूटर से वही डेटा अबाउट अस पेज का लेके आएगा और वहां से उसको डिस्प्ले करके यूजर को देगा। तो इसके लिए वो सर्वर पे इंफॉर्मेशन बार बार हिटिंग ना होने की वजह से क्या हो जाता है, ये गेट जो मेथड है वो इजिली डिस्प्ले होता है। देखो ये पेज मोर फास्टर ओपन हो जाएगा लास्ट एज कम्पेयर टू द लास्ट रिक्वेस्ट। ओके क्योंकि लास्ट टाइम जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक किया तो वो रिक्वेस्ट सर्वर तक गई, वहां से उसने अबाउट अस पेज का इंफॉर्मेशन लेके आए और वहां पे हमें हमें क्या किया, डिस्प्ले किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, वही उसी कैशिंग से लेके वो इंफॉर्मेशन लेके आता है उस स्टैटिक पेज का और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करके देता है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, फास्टर आ जाता है, क्योंकि वो कुकी यूजर के कंप्यूटर में ही है और वहां से ही वो रिक्वेस्ट वापस आ रही है। ओके तो यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है अभी, गेट रिक्वेस्ट। तो इसलिए ये क्या होता है, इट्स मोर फास्टर एज कम्पेयर टू पोस्ट। क्योंकि पोस्ट में क्या होता है, वी आर पोस्टिंग सम इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर। अभी देखो इसी वेबसाइट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेक माई ट्रिप का है। जैसे मुझे कोई फ्लाइट बुक करना है, जैसे यहाँ मैं मुझे दिल्ली से बैंगलोर फ्लाइट बुक करना है, इफ आई चेंज द डेटा, ओके वी नीड टू चेंज डेटा एवरी टाइम। मुझे लाइक मुझे देखना है कि मेरा 15 सेप्टेम्बर का एक फ्लाइट है और उसको मुझे एंड रिटर्न टाइप है 22 सेप्टेम्बर का। वी आर पोस्टिंग समथिंग, वी आर चेकिंग कि हमें 15 सेप्टेम्बर को कौन सा फ्लाइट अवेलेबल है और मुझे रिटर्न को 22 सेप्टेम्बर को कौन सा फ्लाइट अवेलेबल है। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस सर्च बटन। ओके यहाँ पे देखो 1 से 4 में कुछ रिक्वेस्ट पास हो रही है। यहाँ पे देखो पोस्टिंग्स हो रहा है सब कुछ, कुछ तो सर्वर पे और वहाँ पे वो रिक्वेस्ट लिखा रहा है। क्या क्या पोस्ट हो रहा है, जैसे डेट, कौन से डेट पे रिटर्न करना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सब क्या हो रहा है, पोस्टिंग। और वो वी आर चेकिंग ऑन सर्वर एवरी टाइम, वी आर चेकिंग ऑन सर्वर, वी आर एवरी टाइम वी आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। ओके यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसकी रिक्वेस्ट अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट पास हो रही है, एज अ पोस्ट, बिकॉज वी आर पोस्टिंग समथिंग ऑन सर्वर और वहां से कुछ हम डेटा लेकर लेके वापस आ रहे हैं। सो एवरी टाइम द रिक्वेस्ट इज गोज टू द सर्वर टू गेट द डेटा। ओके एवरी टाइम रिक्वेस्ट गोज टू द सर्वर एंड गेट द डेटा, सो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज हम हर बार पोस्ट में क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सर्वर तो तक सेंड कर रहे हैं और वहां से रिक्वेस्ट को वापस लेके आ रहे हैं। सो इट विल नॉट कैश, ड्यू टू दैट इट विल लिटिल स्लोअर एज कम्पेयर टू गेट, बिकॉज वो कैश नहीं हो रही और सर्वर से हमें डेटा वापस लेके आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पोस्ट रिक्वेस्ट पास हो रहा है, लेकिन जैसे हमने डिफरेंस देखा कि इट्स ओके लिटिल सर्वर भी स्लोअर बिकॉज ये हर टाइम पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर तक जाती है, लेस फास्टर, लेकिन इट्स वेरी गुड विन सेंसिटिव डेटा, बिकॉज जब भी हम कोई सिक्योर डेटा सेंड करते हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स मोर सिक्योर टू एज कम्पेयर टू गेट मेथड। ओके दैट्स इट गाइस, होप सो आपको ये पूरा जो वीडियो पसंद आया हो, ओके और आपको एग्जैक्टली क्लियर अंडरस्टैंडिंग आया हो कि वॉट इज एग्जैक्टली डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड पोस्ट मेथड। ओके इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन इजिली कमेंट आउट, आई विल रीच देयर, ओके एंड आई विल गेट बैक टू यू देयर एंड आई विल सॉल्व यूर ऑल द क्वेरीज। ओके टिल टाइम, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बहु ऑटोमेशन लैब। ओके मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहु ऑटोमेशन लैब की इसी सीरीज में, एपीआई ऑटोमेशन में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।